सो एवरीवन, आज की वीडियो हमारी डिटेल से आपको मैं बताऊंगा कि आपकी राइनोप्लास्टी या नोज जॉब वो क्या होती है और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या तरीका है जिससे आप राइनोप्लास्टी करवा सकते हैं। Assalamu alaikum, this is Dr. Maldeen Khan. I am a consultant cosmetic surgeon profession and I have two clinics, one in Quetta, one in Islamabad. और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक एंड अगर आप मुझे चूज़ करने का कहेंगे तो राइनोप्लास्टी वुड बी द वन प्रोसीजर जो मैं बड़े शौक से करता हूँ। अच्छा, राइनोप्लास्टी का मतलब या नोज जॉब का मतलब ये होता है कि आपकी नाक की रीशेपिंग करना। नाक आपकी मोटी है, नाक आपकी लंबी है, नाक आपकी बैठी हुई है या आपकी ब्रॉड है, तो उस सूरत में आप जो प्रोसीजर करवाते हैं उस प्रोसीजर को हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। ये प्रोसीजर्स कॉस्मेटिक सर्जन भी करते हैं और ENT स्पेशलिस्ट भी करते हैं, और समटाइम्स इसमें सिर्फ खूबसूरती का इशू नहीं होता, इसमें सेप्टम का भी इशू होता है या नाक की ब्लॉकेज का भी, यानी कि आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, तो उस सूरत में भी आप राइनोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जो आप करवा सकते हैं, उसको उस सूरत में हम सेप्टो राइनोप्लास्टी कहते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अच्छा, राइनोप्लास्टी के बेसिकली आजकल लेटेस्ट जो है प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी भी है और ओपन क्लोज टेक्निक्स भी हैं और स्ट्रक्चरल राइनोप्लास्टी भी है। स्ट्रक्चरल राइनोप्लास्टी हमेशा से होती आ रही है, जिसमें आप पूरा का पूरा नाक के स्ट्रक्चर को खोलते थे और उसको वापस रीशेप करके वापस बंद कर देते हैं। प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी में कुछ चीज़ें हम प्रिजर्व कर लेते हैं। एम हमारा ये होता है कि आपकी नोज की शेप बेहतर हो, और जो आपकी एक नई टेक्निक आई है उसको हम अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी भी कहते हैं, और उसमें अल्ट्रासोनिक चूँकि एक डिवाइस होती है जिसको पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं, और उस डिवाइस की वजह से इसका नाम अल्ट्रासोनिक रखा गया है। और पीजो का काम ये होता है कि आप जो हड्डियों की शेप करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे वो थोड़े से मोर ट्रोमेटिक थे, एक्यूरेसी उनकी कम थी, उसमें हथौड़ा यूज़ होता था और उस हैमर से हम नाक की बोन्स को फ्रैक्चर करते थे, मगर अब वो फ्रैक्चर्स आप पीजो इलेक्ट्रिक मशीन से भी कर सकते हैं और इसको हम अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी भी कहते हैं। अच्छा, ये सारे प्रोसीजर्स हम अपने क्लिनिक पे करते हैं एंड वी आर द पायनियर्स। हम उन चंद प्लास्टिक सर्जन्स या ENT स्पेशलिस्ट में हैं जिन्होंने शुरू में अल्ट्रासोनिक या प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी स्टार्ट की पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड राइनोप्लास्टी का अब काफ़ी बेहतर हो चुका है। सो अगर आपने राइनोप्लास्टी करानी है तो आप डेफिनेटली हमारे क्लिनिक से रابطہ कर सकते हैं, और वो रابطہ आप मरहम के प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑलवेज सी माई सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और वहाँ पे भी कोई क्यूरी हो तो आप वहाँ पे ऑलवेज आई विल वेलकम यू ऑल गाइस, कि आप वहाँ से भी जो भी क्यूरी डालेंगे हम आपको आंसर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।